गाड़ियाँ लेके आ रही थी कि ये तीन गाड़ियाँ बड़ी बड़ी भर के कम से कम ओवरलोड है जी। और देखिए आप कि जीआरके के जो ट्रैक्टर है उनको जो ट्रैक्टर नहीं चलने दे रहे हैं। हाउस पर आल के तकरीबन कोई 30 के करीब मकान हमें लाड हुए हैं कि बाड़ों में मकान बनाई है, आप वार्ड मेंबरों को ये डायरेक्शनें दी हुई है, लेकिन ट्रैक्टर नहीं आने दे रहे हैं। और पंजाब का माल धड़ाधड़ जा रहा है, गौशाला के साथ ही एक कोई ली बनाई है, रात को मेरे ख्याल से पूरी रात चलता रहता है। कहाँ प्रशासन सोया हुआ है? आखिर जो गरीब लोग हैं, जो ट्रैक्टर है, एक एक ट्रैक्टर रखा है, उनको पकड़ के चलान करके आप लोग दिखा देते हो कि हमने माइनिंग पे रोक लगा दी। कहाँ रोक लगाई है? ये देखिए आपके पीछे ही है पंजाब की गाड़ियाँ, और भी पीछे होंगी। किसकी बिजली बकता है ये? मैं मीडिया के माध्यम से डीसी साहब से अपील करता हूँ कि जनाब इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन है जी, आखिर कौन खा रहा है जी पंजाब का माल, जो हमारे जे एंड के का माल पंजाब में भेज रहा है, इसमें किसकी मिली बख्श है? या हिम ज्यादा मुझे बताते हुए जो 2 साल हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी टाइम टू टाइम मैं बताता आया हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली जहाँ गौशाला में रहता हूँ सुबह से 3-4 बजे तक, तो सब मेरे आंखों के आगे होता है। कहते हैं दिए तले अंधेरा, पता सब कुछ है, बताते भी है, लेकिन उसके ऊपर अनुसरण और अनुकरण नहीं होता है। हमारा काम होता है बताना एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारा हक बनता है, जो हमारे लिए चीज़ बनी है, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए हो, कोई बात नहीं, डजंट मैटर मतलब। लेकिन जब एक चीज़ हमारी चीज़ है और फायदा उठा रहे हैं बाहर के लोग, मतलब जम्मू कश्मीर से बाहर पठानकोट आगे भी माल जा रहा है, तो ये बड़ी निंदनीय मैं कहता हूँ, बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। मैं 1-2 बार डायरेक्ट SSP साहब, मान्य SSP साहब को भी बताया, गाय बगा सभी को बताते रहते हैं। आज मैं जब जहाँ से आ रहा गौशाला से, पता तो चला था, तो हमारे जो जहाँ के स्थानीय जो काउंसलर हैं हमारे आगे जी, तो इन्होंने मुझे इंडिकेशन दी थी कि अगर आप भी आइए तो देखिए ये दरिया जो हमारा रावी है, ये तीर्थ है, तीर्थ था और तीर्थ रहने के काबिल तो इन लोगों ने छोड़ा नहीं है, क्योंकि मैं फिजिकली जाता हूँ, पर्सनली जाता हूँ, देखता हूँ कि इसकी जो स्थिति कर दी है दरिया की, इट इज़ वेरी ड्रास्टिक, बहुत ही बुरा है उसको, दरिया की जो शक्ल है, शेप है, वो इन दुष्टों ने बिल्कुल ख़राब कर दिया। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को फिर आप लोगों के माध्यम से मेरी निवेदन रहेगी, इंतज़ार रहेगी, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी
कि यार नौकरी तो करो लेकिन ऐसी करके जाओ कि आपका नाम भी कहीं किसी ना कहीं पर टिका रहे। आपका भी फर्ज बनता है कि मेरा मतलब कि अगर हम कठुआ में इस किस्म की स्थिति है, हमारी चीज जो हमारे हक बनता है जिसके ऊपर मतलब वो हमें नहीं मिल रही है और उसके बाद वो पठानकोट जा रही है, वो अमृतसर जा रही है, वो कहीं बाहर जा रही है, राजस्थान जा रही है, इट इज़ दैट आई थिंक मतलब ये ठीक नहीं है। तो मैं फिर से ही एक मतलब सीनियर सिटीजन होने के नाते, बुजुर्ग होने के नाते, जो मेरा अनुभव जो मेरी अनुभूति रही है बहुत ही बुरा है कि जो कुछ हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो हमारे जो हुक्मरान हैं, जो इंतजामिया हैं, इनका फर्ज बनता है कि टाइम टू टाइम खुद भी जाएं देखें, कुर्सी को छोड़ेंगे, कुर्सी पकड़े रहोगे तो ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे। तो चलो ये लोग फिर भी प्रयास करते हैं बाकी वाले तो पकड़ते हैं। तो आज जो कुछ हुआ है इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि संज्ञान लिया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई, ताकि दे शुड हैव द लेसन, इनको एक लेसन मिले। लेसन नहीं मिले तो फिर फायदा क्या? आज फिर कल गाड़ी अगर छूट गई तो परसों फिर भी